लर्नर्स, वेलकम टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के बारे में फॉर क्लास 11, सो लेट्स गेट स्टार्ट। लर्नर्स, इससे पहले हमने बात की थी एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस के बारे में। आज हम बात करेंगे 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 के बारे में। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 अप टू द 14, ओके। उसके बाद में डिफाइंड अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय रिलेशन इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई। देयरफॉर यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, वेयर एक्स और वाई जो है वो ए को बिलोंग कर रहे हैं। तो फाइंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। लर्नर्स, मैं इससे पहले आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इन अ बेसिक ऑफ रिलेशन। रिलेशन के बेसिक्स में मैंने आपको बताया था कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अगर आपको ये टर्म्स लॉजिक पहली बार आप सुन रहे हैं या फिर आपको नहीं मालूम है, आप अनअवेयर है, तो आप प्लीज मेरा वो लेक्चर जरूर देखें। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे, कैरी करेंगे और किस तरह से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो लर्नर्स, यहाँ जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है कि ए जो एक सेट है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 1, 2, 3 अप टू द 14, मतलब 1 से लेके 14 तक सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। उसके बाद में लिखा है कि डिफाइन अ रिलेशन, मतलब हमें रिलेशन बताना है, आर रिलेशन बताना है हमें, जो कि हमें कहां से कहां तक दिया हुआ है, ए से ए तक दिया हुआ है। मैंने लर्नर्स आपको एरो डायग्राम बनवाया था, तो एरो डायग्राम के थ्रू हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक पर हैं, तो हम पहले एरो डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब हम फैमिलियर हो जाएंगे उसके बाद में हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लर्नर्स, यहाँ लिखा हुआ है कि रिलेशन जो है वो कहां से कहां तक है, ए से ए तक है, ओके। पहले क्वेश्चंस में जो इससे पहले ही एक्सरसाइजेस में थे उसमें कहां थे रिलेशंस, रिलेशंस हमारा जो था वो ए से बी तक था, या फिर यहाँ पर लिखा होता था ए टू बी, ओके। उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है एक्स कॉमा वाई, ओके। एक्स मतलब ए और वाई मतलब भी ए, तो यहाँ दिया हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और जहाँ की एक्स और वाई जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स और वाई जो है वो ए, मतलब इस सेट को बिलोंग कर रहा है। अब हमें फाइंड करना है डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम इसके लिए एक एरो डायग्राम बनाएंगे। एरो डायग्राम लर्नर्स, मैंने बेसिक्स में आपको बताया था कि किस तरह से ड्रॉ करते हैं और किस तरह से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एरो डायग्राम बना दिया मैंने। एरो डायग्राम में क्या बोल रहे हैं कि ए एक सेट है, सिमिलरली एक और सेट ए है, दोनों सेट ए है, ठीक। उसके बाद में बोल रहे हैं ए सेट्स के एलिमेंट सारे के सारे इसमें डाल दो, भाई डाल देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर उसके बाद में यहाँ जगह कम पड़ रही है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ बाकी की, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये हो गए सारे के सारे। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे 1, 2, सिमिलरली ये भी ए सेट है, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये मैंने ये सारे के सारे ए के एलिमेंट्स लिख दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक्स कॉमा वाई दिया हुआ है रिलेशन में, तो ये एक्स और ये वाई, ठीक। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा एरो डायग्राम को जो मैंने आपको बताया था। अब उसके बाद में यहाँ दिया हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। इस कंडीशन का मतलब क्या है, ये हमें कंडीशन दी हुई है, तो यहाँ दिया हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो आप रिलेशन डिफाइन करें कि रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है ए टू ए रिलेशन, ओके। उसके बाद में यहाँ पर हमें ये दी हुई है कंडीशन, इस कंडीशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है आपको ये, ठीक है, इस तरह से ये लिखा हुआ है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू 3x, भाई ठीक है, मैंने y की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, ओके। और x की वैल्यू मुझे यहाँ पर कुछ दी हुई है, x की वैल्यू इस तरह से दी हुई है, y की वैल्यू इस तरह से दी हुई है, तो अब मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब रिलेशन निकालना है, x का भी हो और y का भी हो। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ हमें ये दिया हुआ है, अगर मैं इसमें x की वैल्यू को पुट अप करती जाऊँ, जैसे x की जगह पे 1, x की जगह पे 2, सिमिलरली x की जगह पे 3 अप टू 14 तक, तो मेरे पास y की वैल्यू निकल आएगी। तो ऐसे ही मेरे पास x और y दोनों के दोनों आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, तो मैं ऐसा ही करूंगी। तो देखिए रिलेशन में
जो हम लिखेंगे वो x और y के फॉर्मेट में होता है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आप ये बोलेंगे कि मैम हम ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि रिलेशन जो होगा वो x और y के फॉर्मेट में लिखा होगा। ठीक, तो अब देखिए, सबसे पहले मैं x इज इक्वल्स टू 1 लिखती हूँ, तो x इज इक्वल्स टू 1 यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 1 रखी, मतलब 1 रखी x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ये y है ना, तो ये हम यहाँ से इसको मैच कर देंगे। लर्नर्स, जो एरो डायग्राम यहाँ अभी मैं बनाऊंगी थोड़ा सा है ना मिक्सअप हो जाएगा, तो आप प्लीज इसको ध्यान से देखिए और अलग अलग हो सके तो अलग अलग पेन से या पेंसिल से जो भी आपका उससे बनाइए आप इसे, तो ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, तो ये मैंने सबसे पहले तो ये बना दिया कि मतलब 1 रिलेशन कर रहा है 3 के साथ में। उसके बाद में देखिए x इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू जब 2 डालेंगे तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 2 दैट मीन 6। तो 2 किससे मैचअप करूंगी मैं, 6 से, तो ये हो जाएगा 6 से। ओके, उसके बाद में x इज इक्वल्स टू 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब यहाँ 3 डालेंगे कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, तो y की वैल्यू हो गई 9। तो x की वैल्यू पे 3 रखने पर कितना आ रहा है हमारे पास, 9 आ रहा है। फिर उसके बाद में x इज इक्वल्स टू 4 डालेंगे तो y कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 4 × 3 = 12। तो ये मैंने रखा 4 और यहाँ कितनी आ गई वैल्यू, 12, तो इसको इससे मैच करूंगी मैं। ठीक है, उसके बाद में ऐसे ही x इज इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 रखेंगे यहाँ तो ये 15 आ जाएगा। अब 15 तो लर्नर्स है ही नहीं यहाँ पर, तो हम सिर्फ इतना ही करेंगे क्योंकि हमारे पास लिमिट है 14 तक की, तो यही हमें बस करना था खाली, और कुछ नहीं करना था। अब हम लिखेंगे फाइनली जो हमें पूछा गया है। ठीक, सबसे पहले तो हम लिखेंगे रिलेशन कि भाई रिलेशन कौन कौन सा है, रिलेशन 1 से 3 का, मतलब 1, 3 ऐसे लिखते थे ना, x और y, तो x ये है y ये है, तो पहला रिलेशन x, 1, 3। ठीक है, उसके बाद में हमें दिया हुआ है 2, 2 का किससे रिलेशन है, 6 से, तो 2, 6। ठीक, उसके बाद में 3 का किससे है, 8 से, सॉरी 3 का किससे है, 9 से, ये 3 का 9 से। फिर उसके बाद में दिया हुआ है 4 का 12 से। तो लर्नर, इट्स ऑल अबाउट द रिलेशन, रिलेशन तो बन गया हमारा। अब मुझे निकालना है डोमेन, कोडोमेन और रेंज, तो वो मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालना है इसे। देखिए, डोमेन का मतलब सिंपली है, मैंने आपको बताया था डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है जहां से लेकर के जहां तक, मतलब यहां से स्टार्ट किया है मैंने, आपको सिंपली लैंग्वेज में बताऊं मैं तो, जहां से मैंने स्टार्ट की है लाइन, वहां से जो, जहां से आपको ये लाइन स्टार्ट होती हुई दिख रही है उस नंबर को आपको लिखना है बस डोमेन में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख दूंगी मैं 1, लाइन कहाँ स्टार्ट हो रही है, यहाँ 2, तो लिख दूंगी 2 और ये 4, और उसके बाद में और कोई तो है नहीं यहाँ पर, तो इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद में लर्नर्स, रेंज बताया था मैंने आपको, तो रेंज मतलब लाइन जहां से स्टार्ट हो रही है वो तो हम डोमेन में लिख रहे हैं, और जहां तक जा रही है लाइन, मतलब जहां तक कंप्लीट कर रहा है, वो क्या लिखेंगे हम, रेंज के अंदर। तो रेंज क्या हो जाएगी हमारी उस हिसाब से, 3, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगी, 6, मतलब एरो जहां पॉइंट कर रहा है, मतलब एरो जहां पॉइंट कर रहा है उसे हम रेंज बोलेंगे, और डोमेन क्या होगा, जहां से एरो स्टार्ट हुआ है। ओके, सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, 3, 6, उसके बाद में 9, उसके बाद में 12, इट्स ऑल अबाउट द रेंज एंड डोमेन। उसके बाद में हम बात करेंगे कोडोमेन, कोडोमेन तो आप बंद करके लिखना है आपको, क्योंकि कोडोमेन में क्या आपके जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे लिख देने हैं। ओके, तो एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14। ठीक, तो आपको ये था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1, ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। तो अब मैं इसका पूरा क्विक रिकैप दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो लर्नर्स, क्वेश्चन में लिखा हुआ था लेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए थे ए के, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, मतलब ए से ए तक का रिलेशन आपको दिखाना है, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है। उसके बाद में हमें बताई गई ये कंडीशन, ये कंडीशन दी हुई है 3x - y = 0, मतलब x और y के फॉर्मेट में कंडीशन दी हुई है, तो x और y के फॉर्मेट में लिखती है यहाँ पर, जहाँ x y जो है वो बिलोंग कर रहा है a को। ये बात हमेशा याद रखना कि ये जो यहाँ लिखा हुआ है x y जो a को बिलोंग कर रहा है, ये मोस्ट टू मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। आप ये मत सोचिए कि ये जो लिखा हुआ है ये ऐसे ही लिखा हुआ है,
x कॉमा वाई ए को बिलोंग कर रहा है, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस क्वेश्चन. ओके, तो फाइंड द डोमेन, को डोमेन एंड रेंज. सबसे पहले हमें क्या करना था, एरो डायग्राम बनाया हमने. एरो डायग्राम के बाद कंडीशन हमने उठाई. कंडीशन उठाने के बाद में हमने क्या किया, हमें यहाँ से x की वैल्यू तो नहीं, y की वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ से, तो y की वैल्यू मैंने ली और x में जो है वो वैल्यू पुटअप करती, मतलब x की वैल्यू 1, एक बार 2, एक बार 3 इस तरह से लेती गई मैं साइमल्टेनियसली वैल्यूज को, और y में पुटअप करती गई. तो मेरे पास x की वैल्यू, y की वैल्यू आ गई. उसी तरह से मैंने रिलेशन बना दिया यहाँ पर. ओके, रिलेशन बनाया, रिलेशन मैंने यहाँ लिखा पूरा का पूरा. उसके बाद में जब मेरे पास रिलेशन आ गया, आपके पास रिलेशन होगा तभी आप डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकाल सकते हैं. तो मेरे पास रिलेशन आ गया, रिलेशन आने के बाद मैंने क्या करा, डोमेन निकाला, रेंज निकाला और कोडोमेन निकाला. सो नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर बाय आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, एक्स इज इक्वल्स टू y is equals to x plus 5, x is a natural number less than 4. x and y is belong to N, depict the relationship using a roster form, write down the domain and range. Learners, question जो है second वाला वो similarly question number 1 जैसा है, same to same, बस आपको condition समझनी है. देखिए learners, यहाँ मैं आपको सबसे पहले question की trick बता दे रही हूँ. ये जो आपकी condition लिखी होती है ना, ये जो रहता है सेट बिल्डर फॉर्म वाली कंडीशन जो रहती है आपकी, यही आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराती है बस. ठीक, तो आपको इस पर पूरा का पूरा फोकस रखना है. मैं इसीलिए इसको अंडरलाइन भी कर रही हूँ, इसको आपको पूरा का पूरा समझ लेना है बस, बाकी आपका काम हो जाएगा पूरे क्वेश्चन का, समझे आप. तो आपको बस इस क्वेश्चन पे, इसमें जो आपको सेट बिल्डर में दिया हुआ है उस पर आपको ध्यान रखना है. इस तरह से लिखा होता है वो सेट बिल्डर में होता है, और रोस्टर का मतलब क्या होता है जो कि इस फॉर्मेट में लिखा हो. ठीक, ये तो आपको पता है, मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ. ओके, उसके बाद में लिखा हुआ है डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर, मतलब कि हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना है एन नेचुरल नंबर्स का. ठीक, तो रिलेशन किसका निकालना है, एन नेचुरल नंबर का दिया हुआ है यहाँ पर बाय. अब हमें यहाँ पर जो कंडीशन दी है उस पर फोकस करना है. एक्स कॉमा वाई जो है, यहाँ एक कंडीशन दी है वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव, जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई थी जहां क्या लिखा हुआ है, x जो है वो नेचुरल नंबर है लेस देन 4, मतलब x जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है. ये कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो x की वैल्यू जो है हमें यहां से मिल जाएगी, यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, और नेचुरल नंबर है जो कि क्या है, लेस देन 4. हमें पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू द एन. ओके, तो नेचुरल नंबर दिया हुआ है हमें लेस देन 4, मतलब कि x की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी हमारी, 1, 2, 3, बस 4 नहीं होगी क्योंकि लेस देन 4 है. ओके, एक्स और वाई जो है वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर, यहाँ दिया हुआ है एक्स एंड वाई बिलोंग टू एन. अब क्या करना है, डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग अ रोस्टर फॉर्म. अब मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है. राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज. तो लर्नर, सबसे पहले तो मेरा काम क्या होगा, यहाँ मैं एक एरो डायग्राम बनाती हूँ. ओके, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक पर है इसीलिए, तो एक एरो डायग्राम बनाएंगे हम लोग सबसे पहले. तो अच्छा, रिलेशन क्या है, रिलेशन है हमारा एन टू एन, एन टू एन ही तो है रिलेशन. क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेशन ऑन द सेट एन नेचुरल नंबर, और यहाँ दिया भी है एक्स और वाई जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर. ठीक, तो यहाँ एन है और यहाँ भी एन है, ये एक्स है, ये आपका वाई है, इसी फॉर्मेट में तो रहता है. एक्स और वाई जो है वो नेचुरल नंबर है, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ. ठीक, इसके बाद में यहाँ एन नेचुरल नंबर है, तो मुझे नहीं पता कितने नेचुरल नंबर है, तो मैं यहाँ ऐसे इस तरह से लिख दूंगी, उसके बाद डैश 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 अप टू एन. ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू द एन. ठीक, इस तरह से लिख देंगे, रिक्वायरमेंट होगी तो लिख लेंगे. और इसको ये जरूर लिखना कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक रिलेशन है. ओके, उसके बाद में यहाँ दिया हुआ है हमें एक्स की वैल्यू 1, 2, 3. कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन को उठाते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स और y. ठीक, y is equals to x plus 5. अब जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे. यहाँ पर हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुटअप करते जाना है y में, और ताकि हमारी y की वैल्यू आ जाए. तो सबसे पहले x की वैल्यू 1 रखूंगी मैं, तो y की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, 1 plus 5, दैट मीन्स 6. ये हो गई पहली कंडीशन. x की वैल्यू 2 रखूंगी, तो y की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, यहाँ 2 रखने पर कितना आ जाएगा, 5, 6 and 7. उसके बाद में यहाँ पर मैं x की वैल्यू 3 रखूंगी, 4 तो रख ही नहीं सकते क्योंकि लेस देन 4 है ये. ओके, तो y की वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी. तो लर्नर्स, ये आ गई हमारी कंडीशंस.
नाउ इससे हम एरो डायग्राम बनाएंगे. एरो डायग्राम के लिए सबसे पहले वन वन से हम क्या करेंगे, इसको सिक्स पर ज्वाइन कर देंगे. ठीक, उसके बाद में टू दिया हुआ है तो टू से सेवन पे. ओके, यहां मुझे एट की रिक्वायरमेंट भी है तो थ्री से एट पर. ये बन गया लर्नर्स मेरा एरो डायग्राम. अब मैं क्या करूंगी, इससे रिलेशन बना दूंगी इजीली. तो रिलेशन क्या बनेंगे, यहाँ वन और सिक्स, फिर उसके बाद में टू और सेवन, फिर उसके बाद में थ्री और एट, यही बनेगा रिलेशन. ठीक है, रिलेशन बन गया मेरा. उसके बाद में अब मैं इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ, और ये रोस्टर फॉर्म में भी लिख दिया मैंने. उसके बाद में मैं इसे लिखूंगी अब डोमेन. डोमेन मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं, जहां से एरो जा रहा है दैट मीन्स वन टू थ्री, वन टू और थ्री. ओके, सो वन टू और थ्री. ठीक, उसके बाद में रेंज बताई थी मैंने कहां तक एरो जा रहा है, तो कहां तक जा रहा है ये, सिक्स सेवन एट. तो यहां लिख दूंगी सिक्स सेवन और एट. तो ये लीजिए लर्नर्स, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट. तो आई होप आपको मेरे फर्स्ट और सेकंड ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हों. अगर आपको इससे रिलेटेड या इससे रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज है, या इससे पहले के जो भी मेरे लेक्चर्स थे उससे रिगार्डिंग आपको कोई भी इश्यूज है, तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे. थैंक यू.